नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मिस नेहा भारती आपके साथ भागलपुर शहर के कुख्यात अपराधी और कॉन्ट्रैक्ट किलर कपिल यादव को पुलिस ने जदयू सांसद के घर से गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, जदयू सांसद अजय मंडल के घोघा स्थित आवास के बाहर से गिरफ्तार किया गया है। कपिल यादव फरारी में सांसद से मिलने गया था। उनसे मिलकर जैसे ही कपिल बाहर निकला, पुलिस ने उसे घर के दरवाजे से ही दबोच लिया। आपको बता दें कि 11 जून की रात छोटी खंजरपुर चौक पर हनी शाह के घर हुई ताबड़तोड़ गोलीबारी में बरारी पुलिस को कपिल की तलाश थी। जिस बाइक से कपिल यादव सांसद के घर गया था, पुलिस ने उसे जब्त कर लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। इधर सांसद अजय मंडल ने स्वीकार किया है कि कपिल उनसे मिलने आया था और लौटते समय घर के बाहर से गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें पता चला कि वह बड़ा अपराधी है। इस मामले पर जदयू सांसद अजय मंडल ने कहा कि कपिल यादव ने गुरुवार को फोन कर मिलने की इच्छा जाहिर की। कल यानी शुक्रवार की सुबह में वह अपने एक अन्य सहयोगी के साथ मिलने आया था। उनसे गनौरा, बादरपुर और भतौरिया में सांसद निधि से सड़क निर्माण के लिए काम मांगा। कहा कि अगर सांसद फंड से पैसे मिल जाते तो ठेकेदारी से कुछ कमा लेते, हम लोग आपके कार्यकर्ता है। इस पर मैंने कहा कि कोरोना के कारण एमपी फंड खाली हो गया है, 2023 में फंड आने पर योजना जरूर देंगे। कपिल को घर पर दो बार चाय भी पिलाई। गिरफ्तारी के बाद पता चला कि वो बड़ा अपराधी है। लेकिन आपको बता दें कि सांसद ने कहा कि मेरे लिए तो घर आया अपराधी भी भगवान है। कपिल यादव भागलपुर पुलिस के टेक्निकल सर्विलांस पर था। जैसे ही वह सांसद से मिलने घोंघा पहुंचा, पुलिस अलर्ट हो गई। सादे लिबास में सांसद के घर और आसपास पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। पहले सांसद आवास से ही कपिल यादव की गिरफ्तारी होनी थी, लेकिन प्रोटोकॉल के कारण पुलिस वाले हिम्मत नहीं जुटा पाए। इस कारण पुलिस वाले कपिल के सांसद आवास से निकलने का इंतजार करने लगे। जैसे ही कपिल सांसद आवास से बाहर निकला, पुलिस ने उसे हथियार सटाकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कपिल यादव सांसद अजय मंडल से मुलाकात करने के बाद झारखंड भागने के फिराक में था। झारखंड में वो अपने साथियों से मुलाकात करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि सांसद साहब का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए घर आए अपराधी भी भगवान के समान है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।